नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश नारायण है और आप सबों को स्वागत है मेरा एजुकेशन चैनल टीचिंग नारायण जेपी में। आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप लोग को के लिए भले का टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है हम आपको सरस्वती पूजा संस्कृत में निबंध आप लोग को बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक के एग्जाम में बहुत भी आई रहता है और इसको आप नजरअंदाज न करें और हर हाल में इसको कंठस्थ याद कर लें। आपको ये 6 नंबर पक्का है। तो चले हम बोर्ड की ओर और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सरस्वती पूजा पर संस्कृत निबंध है। क्या है? सरस्वती पूजा पर संस्कृत निबंध है, जिसमें बहुत छोटा छोटा शब्द में आपको बतला बहुत छोटा छोटा वाक्य में आप लोग को बताया गया कि याद करने में आप लोग को दुविधा नहीं हो। और यहाँ लिखा हुआ है कि सरस्वती अस्माकम एका देवी अस्ति। सरस्वती अस्माकम एका देवी अस्ति, इयम् ज्ञानस्य देवी अस्ति, इयम् ज्ञानस्य देवी अस्ति। सरस्वत्या चत्वारा हस्ता भवन्ति, सरस्वत्या चत्वारा हस्ता भवन्ति। तेसु एकस्मिन् हस्ते, तेसु एक अस्मिन् हस्ते पुस्तकं धारयति, तेसु एकस्मिन् हस्ते पुस्तकं धारयति, एकस्मिन् हस्ते बिनाम धारयति तथा एकेन हस्तेन बिनाम वादयति। एकस्मिन् हस्ते बिनाम धारयति तथा एकेन हस्ते बिनाम वाद्यति। इयम् ज्ञानमयी अस्ति, इयम् ज्ञानमयी अस्ति, इयम् ज्ञानं ददाति, इयम् ज्ञानं ददाति, इयम् विवेकं ददाति, इयम् विवेकं ददाति, इयम् विद्यां ददाति, इयम् विद्यां ददाति। सरस्वत्या वाहनम हंस अस्ति, सरस्वत्या वाहनम हंस अस्ति, इयम् शुक्लानि वस्त्राणि धारयति, इयम् शुक्लानि वस्त्राणि धारयति। अगर इसको कहा जाए तो आपको सरस्वती अस्माकम् एका देवी अस्ति, इयम् ज्ञानस्य देवी अस्ति, सरस्वत्या चत्वारा हस्ता भवन्ति, तेषु एकस्मिन् हस्ते पुस्तकं धारयति, एकस्मिन् हस्ते बीनाम धारयति तथा एकेन हस्तने बीनाम वादयति। इयम् इयम् ज्ञानमयी अस्ति, इयम् ज्ञानं ददाति, इयम् विवेकं ददाति, इयम् विद्यां ददाति, सरस्वत्या वाहनम् हंस अस्ति, इयम् शुक्लानि वस्त्राणि धारयति। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।